AN-32 विमान के शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के 3 जवान शहीद हुए हैं और शहीद आशीष तंवर का पार्थिव शरीर जो है पलवल पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दें सोनीपत के शहीद पंकज सांगवान का भी पार्थिव शरीर आज पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दें गोहाना के कोहला गांव के हैं पंकज सांगवान और वायुसेना में एयरमैन के पद पर तैनात थे और फरीदाबाद के आर थापा को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तीनों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है और जो विमान था AN-32 उसके पायलट शहीद आशीष तंवर थे। आपको बता दें 3 जून को लापता हुआ था वायुसेना का विमान AN-32 और हादसे के समय विमान में 13 जवान सवार थे जिनमें से 3 हरियाणा के रहने वाले हैं। सोनीपत के शहीद हुए हैं पंकज सांगवान, गोहाना के कोहला गांव के हैं पंकज सांगवान और आज अंतिम श्रद्धांजलि जो है उन्हें भी दी जानी है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आज अंतिम श्रद्धांजलि दी जानी है। फरीदाबाद के आर थापा को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके लिए तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से कर ली गई है। तीनों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाना है और दिल्ली से तीनों के पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है। तीन जून को लापता हुआ था वायुसेना का विमान AN-32 और आज उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद अब उनके उनके गांव पहुंचा दिए जाएंगे पार्थिव शरीर और दिल्ली से तीनों पार्थिव शरीर को रवाना कर दिया गया है। हरियाणा के 3 जवान शहीद हुए हैं। और शहीद आशीष का पार्थिव शरीर पलवल के लिए रवाना कर दिया गया है। पंकज सांगवान का पार्थिव शरीर सोनीपत के लिए रवाना कर दिया गया है। गोहाना के कोला गांव के रहने वाले हैं पंकज सांगवान। वायुसेना में एयरमैन के पद पर तैनात थे और उसके अलावा अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के आर थापा को भी आज अंतिम श्रद्धांजलि दी जानी है। विमान AN-32 के पायलट थे शहीद आशीष तंवर, उनको भी आज श्रद्धांजलि दी जानी है। और 3 जून को लापता हुआ था वायुसेना का विमान AN-32 और आज जो है पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। 13 जवान हादसे के वक्त विमान में सवार थे जिनमें से 3 जो है हरियाणा के रहने वाले थे। AN-32 विमान जो लापता हुआ है उसमें जो शहीद हुए हैं उनमें से 3 जवान जो है हरियाणा के रहने वाले थे, उन्हें आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम बार श्रद्धांजलि दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से रवाना कर दिया गया है, उनके पैतृक गांव में आज पहुंचा दिए जाएंगे उनके पार्थिव शरीर। पलवल से रवि कुमार हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, पलवल में कब तक पहुंच जाएंगे पार्थिव शरीर शहीद का? जैसा कि अभी जानकारी मिली है सोनम की, 5 मिनट में वो पहुंचने वाले हैं और भारी संख्या में हजारों की तादाद में यहाँ युवा बच्चे बुजुर्ग सारे उनका इंतजार में पलके बिछाकर बैठे हैं और भारत माता और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और आशीष तंवर अमर रहे के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल रवि, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या अंतिम दर्शनों के लिए भी कुछ वक्त के लिए वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा? रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? जी सोनम। रवि, अंतिम दर्शनों के लिए भी क्या पार्थिव शरीर को रखा जाना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे तो दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि शहीद आशीष का पार्थिव शरीर पलवल पहुंचाया जाएगा और कुछ ही देर में वो
पलवल पहुंचने वाले हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि कुछ ही पलों का इंतजार है, उसके बाद अंतिम दर्शन कर पाएंगे लोग। और हरियाणा के 3 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, आशीष जो शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी ही देर में पलवल पहुंचा दिया जाएगा। तो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं उनके पार्थिव शरीर और अंतिम श्रद्धांजलि आज उनको दी जा रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं आप पलवल की, जहां पर उनके आने से पहले तमाम लोग पहले ही इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को यहां पर लाया जाना है और लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर पहुंचे हैं। वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे वहां पर लगे और शहीद आशीष का पार्थिव शरीर थोड़ी ही देर में पलवल पहुंचने वाला है। सोनीपत की बात की जाए, पंकज सांगवान वहां से शहीद हुए हैं और कोहला गांव के रहने वाले हैं पंकज। शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि आज दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका आज किया जाना है। तो सोनीपत के पंकज सांगवान शहीद हुए हैं और पलवल के आशीष शहीद हुए हैं और जो पंकज हैं वो गोहाना के कोहला गांव के रहने वाले हैं, वायुसेना एयरमैन के पद पर तैनात थे। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो आज अंतिम विदाई उन्हें दी जानी है अंतिम दर्शनों के लिए। थोड़ी ही देर में उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने वाला है। शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जानी है और अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाना है। सोनीपत से ब्यूरो चीफ जयदीप प्राची फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जयदीप, करीबन कितनी देर में पंकज जो सोनीपत से शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल सीरम, देखिएगा अब से कुछ ही देर में जो है जो पंकज का जो पार्थिव शरीर वो उसके पैतृक गांव कोहरा गांव में पहुंचेगा। दिल्ली से काफी समय हो गया उनको चले हुए, कुछ ही देर में यहां पर जो ग्रामीण है वो इंतजार कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर में उनके जो पैतृक गांव कोहला है वहां पे पंकज का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच जाएगा और यहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ जो है आज पंकज का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी जयदीप, क्या कुछ देर के लिए वहां पर अंतिम दर्शनों के लिए भी उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर पंकज के घर के पास जो है व्यवस्था की गई है, यहाँ पर आसपास के गांव के लोग हैं, स्थानीय नेता है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और पूरी तरह उनके जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, जो एक टुकड़ी है वो भी पंकज के जो पार्थिव शरीर वो लेकर आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर रहेगी और जो सलामी दी जाएगी राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा आज। तो बिल्कुल जयदीप, क्या इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? करीबन कितने बजे अंतिम संस्कार होगा, क्या इसे लेकर जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिएगा अभी 12 बजे हैं, करीब अगले आधे घंटे के करीब जो है पंकज का जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव पहुंच सकता है कोहला गांव में, और यहां पे आने के बाद हम सोच सकते हैं कि करीब 1 घंटे का समय यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए, आस पास के गाँव से लोग आए हुए हैं और जो पानी था वो यहाँ पे, तो 1 घंटे का समय यहाँ आने के बाद भी लग सकता है और उसके बाद जो है पंकज का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयदीप प्राची, ब्यूरो चीफ जुड़े थे सोनीपत से हमारे साथ। हरियाणा के 3 जवान शहीद हुए हैं, उनके पार्थिव शरीर को कुछ ही देर में उनके पैतृक गांव पहुंचाया जा रहा है जहां पर अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे और उसके बाद आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ तीनों का अंतिम संस्कार किया जाना है। हालांकि इससे पहले की अगर बात की जाए, दिल्ली में राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी तीनों जवानों के पार्थिव शरीर को और उसके बाद अब पैतृक गाँव ले जाया जा रहा है।